हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये दो टमाटर है, दो हरा मिर्च और लहसुन के पत्ते, इसका आज हम सूप बनाने चल रहे हैं। तो टमाटर हम पके हुए लिए हैं, ज़्यादा पका चाहिए। इस तरह हम टमाटर बड़ी बड़ी पीस में कट कर ले रहे हैं। ये टमाटर हमारा कट गया है। इधर लहसुन की कलियाँ लिए थे, दो काट लिए हैं। पैन गर्म है तो इसमें हम एक टुकड़ा हम बटर डाल दिए हैं, तड़का देंगे। ये बटर पिघल गया है, इसमें हम जीरा ऐड कर रहे हैं। आधा चम्मच हम जीरा लिए हैं तड़का देने के लिए। ये जीरा चला दे रहे हैं अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। जीरा हमारा ब्राउन हो गया है तो इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे, इसको भी हल्का सा पका लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम हरा मिर्च डाल रहे हैं, ये हरा मिर्च भी डाल दी। ये सभी चीज़ें अच्छे से पक गई। तड़का दे देते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है, इसलिए हम तड़का दे रहे हैं हल्का सा। ये देखिए अच्छी तरीके से भून गए हैं तो इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके हम अच्छी तरीके से इसको भी चला दे रहे हैं। लहसुन की पत्ती हमने काट के डाल दिए हैं। आप धनिया लहसुन कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो। ये देखिए इसको हम चला दिए हैं टमाटर को। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो पानी हम डेढ़ कटोरी ले रहे हैं, आधी कटोरी हम पहले डाल दिए हैं, एक कटोरी अभी और लेंगे। एक कटोरी ये और ले लिए हैं पानी। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अभी ये पानी इसमें जलेगा। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर दे रहे हैं। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से पक रही हैं। गैस हम तेज कर दिए हैं, इसको दो मिनट तक अच्छे से हम पका लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से टमाटर गल गया है तो इसको अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये गैस बंद कर दिए हैं, हल्का ठंडा हो जाए। ये देखिए हल्का ठंडा हो गया है, हमको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि सूप गरम गरम पीने में अच्छा लगता है। तो इसको हम मिक्सी जार में डाल रहे हैं पीसने के लिए। आप अगर मिक्सी जार ना हो तो कैछुल से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा चला दिए तो पीस गई है, मिक्सी जार में पीस गए टमाटो सूप। तो इसको हम चलनी हो या छन्नी आप चाल सकते हैं, तो मेरे पास चलनी है तो इस तरह हम चलनी में पलट के चाल दे रहे हैं इसको। देखिए अच्छी तरीके से हम चाल दे रहे हैं, सूप गाढ़ा गाढ़ा बन गया है। अब इसको हम कटोरी में पलट दे रहे हैं। देख लीजिए सूप हमारा किस तरह बना है। ये देखिए ना तो पतला ना गाढ़ा, मीडियम टाइप का सूप बहुत स्वादिष्ट बना है, देखने में पता चल रहा है। ये हमारा सूप बन के रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह बना है। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।